I gave you my heart. वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पीनेस मीन्स यू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन टूडेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्रीम रिव्यू। तो ये मेरा न्यूली परचेज है पॉन्ड्स लाइट फेस मॉइस्चराइजर। सो इसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज मैं पॉन्ड्स क्रीम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। न्यूली लॉन्च तो नहीं है ये, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप समर के लिए ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट लाइट फील लाइट वेट मॉइस्चराइजर, तो ये परफेक्ट है आपके लिए। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि पहले मैंने इसका छोटा वाला पैक यूज़ किया था ट्राई करने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप कोई भी नई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो पहले आप उसकी छोटी बॉटल या छोटी ट्यूब में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपके एक तो पैसे वेस्ट नहीं होते और दूसरा ये है कि वो चीज़ आपकी स्किन पे सूट कर रही है या नहीं, इसका भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये वाला पैक लिया था 25 ml का। तो ये आप देख सकते हो पूरा खाली हो गया है। तो मैंने अब इसका बड़ा वाला पैक परचेज़ किया है। ये कितने 25 ml का था ये, और 35 rupees का था ये। तो ये मैंने रीपरचेज किया है, अब बड़ा वाला मैंने पैक लिया है इसका। और ये पैक मैं आपको बता देती हूँ, ये 250 ml का है और इसका कॉस्ट है 249 rupees। तो अब मैंने इसका बड़ा वाला पैक लिया क्योंकि मुझे ये सूट कर रहा था और समर्स के लिए तो परफेक्ट है ये, मस्ट बाय है। आपके बैग में या आपके ड्रॉर में ये होना ही चाहिए समर्स में। सो चलिए बात कर लेते हैं। ये क्यूट से टब पैकेजिंग में है, 250 ml का है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसमें। और ऐसे ग्रीन कलर की इसका टब है और वाइट कलर का इसका ये बॉक्स है। तो इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर मैंशन है, और जो इसका ml वगैरह है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो यहाँ पे मेंशन है। और पॉन्ड्स की तरफ से काफ़ी अच्छा है ये पॉन्ड्स। वैसे आप देख सकते हैं पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम सारी काफ़ी ऑयली ऑयली होती थी, तो ये अभी इन्होंने न्यूली लॉन्च किया था और लाइट मॉइस्चराइज़र है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं करता है क्रिएट आपके फेस पे। और यहाँ पे मेंशन है लाइट मॉइस्चराइज़र है, नॉन ऑयली फ्रेश फील देता है आपको, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करवाता है, एंड विटामिन ई और ग्लिसरीन के साथ है, जो कि दोनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं विटामिन। चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से फॉइल पैकेजिंग में आता है। तो इसकी पैकेजिंग एक इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि ये फॉइल पैकेजिंग है। तो यहाँ से मैंने ओपन किया हुआ है इसको, मैंने सारा नहीं ओपन किया और थोड़ा सा मैसी भी होता है ये ओपन करने पे, तो आप देख सकते हो। बाकी क्रीम बहुत अच्छी है, क्रीम का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा है, रनी नहीं है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही बार में आपकी स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। और एक आपको बिल्कुल नॉन स्टिकी जो होता है ना ग्लो, वो आपको देगा। आप इसे एज अ बेस मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं, बेस मेकअप पे जो आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं आप वैसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ईजिली एब्जॉर्ब्ड हो गया, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है तो ये ईजिली आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और बिल्कुल भी यहाँ पे स्टिकी नहीं करेगा आपकी स्किन को, और एक फ्रेश सॉफ्ट स्किन आपको प्रोवाइड करेगा ये। तो भी वाइट पैचेस जो कर देता है ना, जैसे कोई क्रीम्स होती हैं वो वाइट पैचेस छोड़ देती हैं आपकी स्किन पे, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है स्किन में। और फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी माइल्ड है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो आपको बिल्कुल भी मतलब अगर आप ऐसे हैं कि थोड़ा सा सेंसिटिव होती है नोज़, तो वैसा नहीं है, बिल्कुल फ्रेग्रेंस माइल्ड है, आपको इसकी फ्रेग्रेंस इरीटेट नहीं करेगी। तो काफ़ी अच्छी है क्रीम। और इसके जो प्रॉज हैं, मतलब इसके जो एडवांटेजेस हैं, वो यही हैं कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, अच्छे से लॉक हो जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली है ये पैक। इनफैक्ट डे क्रीम तो है ही, आप इसे एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन एंड विटामिन ई है इसमें, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोनों ही, जो आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा। विटामिन ई काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, और ग्लिसरीन आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, और इसका फॉर्मूला है वाटर बेस्ड, तो इजीली आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। परफेक्ट है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छी है, बट अगर जैसे विंटर्स है
तो एक्सेस ड्राई अगर आपकी स्किन होती है तो इतना वर्क नहीं करेगी ये, बट नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है और ये बिल्कुल भी वाइट पैचेस क्रिएट नहीं करती है आपके फेस पे। बहुत ही ज़्यादा लाइट फॉर्मूला है ये, लाइट फॉर्मूला के साथ आती है और अफोर्डेबल है। आप इजीली इसका छोटा वाला पैक भी जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला पैक, इसका ये वाला पैक आप परचेज कर सकते हैं। 25 ml का आता है ये, 35 rupees का, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल है। आप इसे किसी भी लोकल मार्केट शॉप से या ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो मुझे यही लगे कि एक तो इसका जो पैकेजिंग है, लाइक जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला फॉइल पैकेजिंग, ये थोड़ा अनहाइजेनिक होता है, थोड़ा मैसी होता है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए था पॉन्ड्स को। और इसमें SPF नहीं है, विदाउट SPF है ये, और इतना सूटेबल नहीं है ड्राई स्किन वालों के लिए। बस इसके तीन ही मुझे डिसएडवांटेजेस मिले हैं इसमें, बाकी तो क्रीम बेस्ट है और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी आपको परचेज करने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र, आप डे नाइट दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ डे क्रीम एज अ नाइट क्रीम, तो बहुत अच्छी है। आप इसको परचेज़ कीजिएगा और इसका रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो पॉन्ड्स क्रीम के रिव्यू के बारे में, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नेक्स्ट अपडेट मिलते रहें। सो इसी के साथ मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।